हमारे रसिकजन कहते हैं कि व्यक्ति प्रेत कब बनता है? जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी भी भजन नहीं किया, जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, और सुनिए, भजन करना और कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि यहाँ के आप बैठ गए, कथा सुन गए, भजन सुन गए कि अब हम प्रेत नहीं बनेंगे। जब तक उसको जीवन में पालन नहीं किया, जो व्यास ने कहा उसको जीवन में उतारा नहीं, कथाएं तो बहुत सुनी पर जीवन पर बिल्कुल उसका असर नहीं हुआ। रावण रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण रोज महादेव का अभिषेक करता था, पर ऐसे त्रिपुंड का, ऐसे अभिषेक का क्या फायदा जिससे उसका चरित्र नहीं सुधरा? आप लोग कथा सुनने नहीं आते, आप स्वयं को सुधारने आते हैं कथाओं में। और यदि माफ कीजिए, आप बिना सुधारे चले जाते हैं ना, तो बहुत बड़ा अपने ऊपर बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो आप। इसलिए कथाएं सुनने आते हैं तो यहाँ जो कही जाती है बातें उनको जीवन में उतारने का प्रयास किया कीजिए। जो व्यक्ति जीवन में कभी कथा को नहीं उतारता, जीवन में कभी भजन संग्रह अपने जीवन में नहीं करता, अपने जीवन को भजन के, भक्ति के अनुकूल नहीं बनाता, वही मृत्यु के बाद प्रेत बनता है।